हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुप्रीमो क्लासेस। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। एंड इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। एंड दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 came into force on 1 January 1909. Section 2, subsection 9, movable property includes standing timber, growing crops and grass, fruits upon the juice in trees, and property of every other description except immovable property. ये स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसे मूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट की और इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से पढ़ना है, माइन्यूटली पढ़ना है। तो क्या होता है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड है क्या नहीं। अगर आप डेफिनेशन ही अच्छी कर लेते हो तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, फ्रूट्स अपॉन एंड जूस इन ट्रीज एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है ये अच्छे से याद रखना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 सेक्शन के साथ याद रखना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडेटरी अलाउंसेस, राइट टू वेज, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनी थिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, नॉट ग्रास। ये याद रखना है क्या क्या नहीं आता इसमें। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास नहीं आता। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शंस भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट सेक्शंस है इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। सेक्शन 17 में प्रोवाइड्स किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है। द डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ विच इज ऑप्शनल हैव बीन डील्ड इन सेक्शन 18, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 17, सेक्शन 18 में द डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑप्शनल, ऑप्शनल कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है डॉक्यूमेंट्स है वो बताया गया है। और सेक्शन 17 में बताया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरीली भी रजिस्ट्रेबल। तो ये सेक्शन दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। लीज हैज़ बीन डिफाइंड इन द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। सेक्शन 24, 25 एंड 26, नो डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल शाल हैव बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस प्रेजेंटेड फॉर दैट पर्पज टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। तो कौन से भी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है वो विद इन 4 मंथ्स रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए फाइल करने पड़ते हैं, लेकिन विल जो है दैट इज नो टाइम लिमिट। डॉक्यूमेंट अदर देन विल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस प्रेजेंटेड फॉर दैट पर्पज टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन।
इम्पोर्टेंट वीडियो जो प्लेलिस्ट है मेरी, मैंने वो प्रोवाइड की है आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू सीरीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई है मैंने लॉ सब्जेक्ट में, विद रिसेंट अमेंडमेंट 2018, 2019 और 2020 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है जो आपको अपडेट रखेगा। क्विक रिविजन सीरीज़ बनाई है जो आपको एग्ज़ाम के जाते वक्त बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जुडिशल प्रिपरेशन सीरीज़ बनाई है एमसीक्यूज़ पे, लैंडमार्क केस लॉ सीरीज़ बनाई है एमसीक्यूज़ पे, अदर इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड आल्सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सेक्शन 27 डील विथ विल्स मे बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम। अभी बताया था अदर डॉक्यूमेंट जो है वो विद इन 4 मंथ्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस को फाइल करने पड़ते हैं, लेकिन विल मे बी प्रेजेंटेड फॉर और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम सेक्शन 27 में मेंशन किया गया है। सेक्शन 27 इम्पॉर्टेंट है। इन द रजिस्ट्रेशन एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। एवरी डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, वेदर सच रजिस्ट्रेशन बी कंपल्सरी और ऑप्शनल, शाल बी प्रेजेंटेड एट द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को ही आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। एवरी डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, वेदर सच रजिस्ट्रेशन टू बी कंपल्सरी और ऑप्शनल, शैल बी प्रेजेंटेड एट द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी टू रजिस्टर अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908? सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट विच कंपल्सरी टू रजिस्टर। दोज आर एज फॉलोज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो है कंपल्सरी है रजिस्टर करना। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच आर परपोरेटिंग टू क्रिएशन, असाइनमेंट, डिक्लेरेशन, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द एनी इंटरेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ अर एस 100 रुपीज एंड अबव और बाय एक्नोलेजिंग रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर क्रिएशन, असाइनमेंट, डिक्लेरेशन और लिमिटेशन ऑफ एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 year और रेंट इज पेड ईयरली। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विच इज एग्जीक्यूटेड ऑन द आफ्टर द कॉमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये कंपल्सरी टू रजिस्टर अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। एक्ट डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट विच कंपल्सरी टू रजिस्टर। Where there are several persons executing a document at different time, such document may be presented for registration and re-registration within 4 months from the date of each execution. Who can present document for registration under Registration Act? As per Section 32 of the Act, any of the following person can register the document, executing or claiming under the same, or in the case of a copy of decree or order, claiming under the decree or order, assignee of such person, agent of such person who is duly authorized by power to attorney as per Section 33, which gives power to agent get document registered. तो कौन कौन present कर सकता है? तो ये सभी प्रेजेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन।
स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs लिए हैं आपको आपको ये वीडियो एग्ज़ाम को जाते वक्त भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 18 जो है एक्ट प्रोवाइड्स विच आर ऑप्शनल टू रजिस्टर और कंपल्सरी जो रजिस्ट्रेशन करना है वो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट विच आर ऑप्शनल. ओके डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइजिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड बिलो 100 rupees लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग अ पीरियड ऑफ 1 year नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर परपोरेटिंग टू क्रिएशन असाइनमेंट डिक्लेरेशन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ एनी इंटरेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विल्स एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच इज नॉट mandatory to register under section 17. Document relates to the transfer of ownership of immovable property. Document relates to the transfer of ownership of immovable property. Question हमेशा अच्छे से पढ़ना है. अगर question समझ में आता है तो answer ही correct आता है. Document relates to the transfer of ownership of immovable property. The passport size photograph and fingerprints of each buyer and seller of such property mentioned in the document shall also be affixed टू द डॉक्यूमेंट. तो डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड फिंगर प्रिंट्स ऑफ ईच बायर एंड सेलर ऑफ ईच प्रॉपर्टी मेंशन इन द डॉक्यूमेंट शैल आल्सो बी अफेक्स करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड फिंगर प्रिंट. सेक्शन 21 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाइज टू नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. The time for presentation of document for registration has been provided in section 23 में provide किया गया है time documents for registration. Section 23 provides the time for presentation of document for registration before the proper officer of 4 months from the date of execution. Section 23 में provide किया गया है the time for presentation document for registration before the proper officer 4 months from the date of execution. When any registrar is absent from his office on the duty in his district, he may appoint any sub registrar or other person in his district to perform during such absence all the duties of a registrar except those mentioned in section 68 and 72. अगर registrar absent होगा तो on duty तो in his district he may appoint to sub registrar. Where to register the documents under Registration Act? Section 28 of the Registration Act deals with documents mentioned under Section 17. Where these documents shall be presented for registration to sub-registrar in the sub-district where whole property or a part of property situated, document not mentioned under Section 28 will be registered sub-registrar in which decree is executed. Delay in presentation of a document for registration can be condoned up to 4 months. Section 38 person exempt from appearance at the registration office में exempt कौन से persons को किया है वो mention किया गया है. Section 38 में कौन कौन से है वो a person who by reason of bodily infirmity is unable without risk or serious inconvenience to appear at the registration office, a person in jail under civil or criminal process, person exempt by law from personal appearance in court and who would be but for the provision next hereinafter contained be required to appear in person at registration of it shall not be required so to appear. तो सेक्शन 38 में मेंशन किए गए हैं पर्सन एग्जेम्प्टेड फॉर अपेरेंस एट द रजिस्ट्रेशन ऑफिस.
Which section of Registration Act provides for condonation of delay in presentation of document of for registration? तो condonation of delay तो section 25 में mention किए गए हैं for condonation of delay in presentation of document for registration. A document executed out of India can be registered if presented within 4 months of its arrival in India. Section 27 deal with wills may be presented or deposited at any time. Wills को time limit नहीं दिया गया है. Section 27 में provide किया गया है. Wills may be presented or deposited at any time. Will can be presented for registration within, that is no time limit, that is at any time. The doctrine of relation back in Registration Act in contained in section 47. जो ये doctrine जो है relation back तो ये contained है section 47 में. Section 40, person entitled to present wills and authorities to adopt. कौन कौन जो persons है entitled for present wills के लिए and authorities to adopt, the testator or after his death any person claiming as executor or otherwise under a will may present it any registrar or sub registrar for registration. The donor or after his death the donee of the authority to adopt or the adoptive son may present it to any registered or sub registered for registration. तो ये person जो है all the above person जो है entitled to present wills authorities to adopt section 40. Section 48 deal with registered document relating to property when to take effect against oral agreement. Section 48 में deal provide किया गया registered document relating to property when to take effect from oral agreements. If any document duly presented for registration be in language which is registering officer does not understand, अगर कौन लैंग्वेज में रजिस्ट्रेशन ऑफिस में प्रेजेंट किया गया है जो लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डज नॉट अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड नहीं करता वो लैंग्वेज, विच इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट, ही शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट अनलेस इट बी अकम्पाइंड बाय अ ट्रू ट्रांसलेशन इन टू अ लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो बाय ट्रू कॉपी. तो उसका ट्रांसलेशन भी रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा उस डिस्ट्रिक्ट में जो लैंग्वेज है. सेक्शन 57 डील विथ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन बुक्स एंड इंडेक्सेस एंड टू गिव सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एंट्रीज. व्हाई टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट. रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है. सम ऑफ डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी टू रजिस्ट्रार एज मेंशन इन सेक्शन 17. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रिवेंट्स फ्रॉम फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ द प्रॉपर्टी. रजिस्ट्रेशन आल्सो सर्व एज अ लीगल एविडेंस इन द कोर्ट. रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू पीपल हु मे डील विद प्रॉपर्टी एज टू द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द राइट्स विच पर्सन्स मे हैव अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. व्हाई टू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट. Section 60 deal with certificate of registration. Section 42 deposit of wills. Any testator may either personally or by duly authorized agent deposit with any registrar his will in a sealed cover superscribed with the name of the testator and that of his agent and with statement of the nature of the document. So deposit of will, section 42. Section 22 deal with description of houses and lands by reference to government maps or surveys. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and click the bell icon. Thank you for watching my video.